बच्चों के साथ होने वाले यौन शोषण के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। इस पर मनोचिकित्सकों का कहना है कि आजकल पेरेंट्स अपने बच्चों पर ध्यान नहीं देते, जिस कारण ऐसे मामलों में बढ़ोतरी हो रही है। बच्चों के साथ यौन शोषण के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। अभी हाल फिलहाल में ही हमने देखा कि नोएडा में पड़ोस में रहने वाले एक व्यक्ति ने एक 10 से 11 साल की मासूम बच्ची के साथ पिछले एक साल से लगातार बलात्कार किया और बच्ची को डांटता और धमकाता रहता था। पुलिस ने उसको गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन उसके पीछे क्या साइकोलॉजी थी, कैसे वो ये करता था, बच्ची ने अपने माता पिता को ये सारी बातें कैसे नहीं बता पाई, वो इसके लिए बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं साइकेट्रिस्ट डॉक्टर आशिमा। डॉक्टर साहब से बात करते हैं कि मैम, कहने को हम लोग बहुत ज़्यादा मॉडर्न लाइफ में आ चुके हैं, बहुत तेज़ लाइफ में आ चुके हैं, लेकिन इस तरीके के इंसिडेंट्स हमें डराते हैं। क्या एक बच्ची 10-11 साल की बच्ची अपने माँ बाप को क्यों नहीं कह पाती है कि उसके साथ कुछ ऐसा हो रहा है? सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी, 10-11 साल की बच्ची के साथ ये जो जघन्य अपराध हुआ है वो बहुत गलत है, कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। रीज़न इसके पीछे बहुत सारे हो सकते हैं, बच्ची ने क्यों नहीं छुपाया, बच्ची ने क्यों छुपाया। सबसे पहले ये हो सकता है कि माँ बाप दोनों वर्किंग हैं, माँ बाप उतना टाइम नहीं दे पा रहे हैं बच्ची को, एक गैप हो गया है बच्ची से, बच्ची के साथ ट्रस्ट नहीं है, बच्ची अपने माँ बाप से ट्रस्ट इश्यूज रख रही है, विश्वास नहीं करते हैं माँ बाप बच्ची के ऊपर, इसलिए भी वो नहीं बताना चाहती है। प्लस एक वो भी रीज़न है कि हाँ, वो आदमी जो है वो उसको डरा रहा है कि मैं तुमको इस तरह से नुकसान पहुँचा सकता हूँ, तुम्हारे परिवार को इस तरह से नुकसान पहुँचा सकता हूँ। मैम, अगर बात करें तो स्कूल में इस तरीके की हरकतें होती थी, घर में होती थी, और अब आस पड़ोस में भी कहीं बच्चे सेफ नहीं हैं। पेरेंट्स को क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी चाहिए, पेरेंट्स को कैसे कम्युनिकेशन बनाना चाहिए अपने बच्चों के साथ? सबसे पहले तो ये, जब भी इस तरह के अपराध होते हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम हम लोग को यही पता चलता है कि ये आसपास वाले जो सबसे करीबी रिश्तेदार हैं, दोस्त हैं, उन्हीं के थ्रू ही होता है। माँ बाप को बच्चे से एक दोस्त जैसा संबंध बना के रखना चाहिए, टाइम देना चाहिए, भले वर्किंग है, दोनों हस्बैंड वाइफ, दोनों माता पिता, दोनों वर्किंग है, बच्चे को टाइम देना चाहिए। हर जगह आजकल मॉडर्न सुविधा उपलब्ध है, कैमरेज लग रहे हैं, कैमरा लगाइए घर में, देखिए कौन कौन आ रहा है, कौन नहीं आ रहा है। अगर कोई अपरिचित आ रहा है, बच्ची से तुरंत पूछिए क्यों आया, किस चीज़ के लिए आया। बच्ची के साथ दोस्ताना संबंध रखिए कि वो आपको सारी चीज़ें खुल के बताए। बिल्कुल, तो ये थी साइकेट्रिस्ट डॉक्टर आशिमा, जिनका कहना है कि बच्चों में चेंजेस आना शुरू हो जाते हैं तो, और पेरेंट्स को सबसे ज़्यादा ज़रूरत है ऐसे मामलों में अपने बच्चों से तालमेल बनाने की और उनके साथ एक कम्युनिकेशन बनाने की, जो आजकल नहीं हो पा रहा है। डॉक्टर साहब का कहना है कि अगर हम इसी तरीके से बच्चों से तालमेल बनाना शुरू करेंगे, ऑफिस से घर आने के बाद उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा टाइम देंगे, तो इस तरीके की घटनाओं पर रोक लग सकेगी। कैमरामैन गौरव के साथ पवन त्रिपाठी, जी मीडिया, गौतम बुद्ध नगर।